Morning, children. And welcome back in online class. And today I'm going to take a class of class 8 SST Geography. ठीक है, और चैप्टर का नेम है नेचुरल रिसोर्सेस। ये चैप्टर नंबर 14 है, नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्सेस, चलिए आगे देखते हैं नेचुरल रिसोर्स आखिरकार है क्या। ये आपका पार्ट 2 है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से पार्ट 2 आप तक नहीं पहुंच पाया था। और जब मैंने इस लिस्ट को देखा तो इस लिस्ट में सिर्फ हमारे पास पार्ट 1 ही था और पार्ट 2 गायब हो गया। तो इस टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो प्रॉब्लम आपको झेलना पड़ा उसके लिए हमें दिल से खेद है। और आज हम जो क्लास स्टार्ट करने वाले हैं वो टोटल है हमारा नेचुरल रिसोर्सेस के ऊपर। तो नेचुरल रिसोर्सेस के बारे में हम लोगों ने जो पढ़ाई किया था वो है कि ऑल टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस दैट इज यूज्ड बाय The man and which is present over the earth, यानी कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वो सारी चीजें न सिर्फ पृथ्वी के सतह पर पाई जाती है और बल्कि वो सतह के नीचे भी पाई जाती है, जैसे कि मिनरल्स हो गया, है ना, डीजल है, पेट्रोल है, ग्रीस है, ठीक है, आयरन है, निकेल है, एल्युमिनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, डायमंड है, कोल है। ये सभी सारी चीजें जो हैं वो पाई जाती हैं और ये सभी सारी चीजें जो हैं वो यूज की जाती हैं मनुष्यों के द्वारा। ये सभी सारी चीजें जो हैं वो क्या कहलाती हैं, नेचुरल रिसोर्सेस कहलाती हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेस जो है कहलाती हैं। और हम लोगों ने जो पढ़ाई ऑलरेडी कर चुका है वो है हमारा बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट पर भी कि नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड। नेचुरल रिसोर्सेज को पहले हम लोग देख लेते हैं कि कैसी कैसी में हम लोगों ने क्लासिफाई किया था। ये है आपका नेचुरल रिसोर्सेज, एक क्या है जो डायरेक्ट जो है हमारा क्या होता है वह मैन मेड थिंग है और एक है नेचुरल थिंग या ह्यूमन मेड थिंग कहिए, ह्यूमन मेड थिंग, और दूसरा था हमारा नेचुरल। और ये भी जो है वो दो कंपोनेंट में यानी दो इसका डिवीजन है, वो है हमारा बायोटिक एंड एबायोटिक। दीज आर द टू कंपोनेंट दैट्स बेस्ट ऑन द बायोटिक एंड एबायोटिक कॉम्पोनेंट। यानी कि नेचुरल रिसोर्सेस नेचुरल थिंग्स को जो है वो हम लोग बांट सकते हैं कैसे बायोटिक और एबायोटिक। तो बायोटिक और एबायोटिक कॉम्पोनेंट जो है वह कैसे हो जाता है, देखिए सबसे पहले क्लियर कर दे, नोट में एक चीज लिख लीजिएगा आप लोग कि
biotic and abiotic component only classify on the basis of natural resources, natural resources, यानी कि biotic और abiotic component में तभी उसको रखा जाएगा जब वो natural resources के अंतर्गत आ जाएगा, जैसे कि हमारा biotic देखिए और abiotic देखिए। biotic में क्या हुआ, living organism, बायोटिक में क्या हो गया हमारा, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और ए बायोटिक में क्या हो गया, ए बायोटिक में हो गया जैसे कि हमारा लैंड हो गया, एयर हो गया, माउंटेन हो गया। ये सभी सारी चीजें आपने देखा होगा कि हमने यहाँ जो नोट में आपको लिखाया हुआ है, बायोटिक एंड ए बायोटिक कॉम्पोनेंट ओनली क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, और मैंने एक लाइन यहाँ पे आपको लिखा है कि बायोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ए बायोटिक है जैसे लैंड हो गया, एयर हो गया, माउंटेन हो गया, कि वे नेचर से पाई जाती, ठीक है, यानी कि ये सभी जो चीजें हैं there should be or there it all has been abundantly available on the earth, ये प्रचुर मात्रा में ये इनकी availability जो है वह मौजूद होती है, और इसी के कारण जो है वह natural resources जो है वह कहलाता है, और natural resources can be renewed time by time, समय दर समय ये सभी चीजें जो है वह क्या होती है, वह रिन्यू होती रहती, ठीक है। तो चलिए आज जो मेन हमारा टॉपिक है उस टॉपिक पे आना बहुत ही जरूरी हो गया है, और वो हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। ये हमारा एक छोटा सा रिकैप था जो जानना थोड़ा सा जरूरी था, क्योंकि बड़े दिनों के बाद में एक टेक्निकल फॉल्ट होने के कारण हम पार्ट टू जो है वो लोड नहीं हो पाया था, पता चला कि वो फॉल्ट जो है उस जो सब्जेक्ट था उस सब्जेक्ट को ही करप्ट कर दिया, उस करप्ट होने के कारण वो वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाया, वो ऑनलाइन क्लास आप तक नहीं पहुंच पाया, इसके लिए हमें दिल से खेद है, और आपकी जो बाधाएं हुई है इस टेक्निकल फॉल्ट के कारण, आज चलिए उसकी जो चीजें हैं हम लोग खामियां जो है वो क्या करेंगे, हम लोग पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा आज का जो टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, क्या है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, देखिए आखिरकार डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस होता क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि डिवाइडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, सबसे पहली बात हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि द नेचुरल रिसोर्सेस हैज बीन एबंडेंटली available
available on the अर्थ। ये चीज को हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। नेचुरल रिसोर्सेस हैज बीन अबंडेंटली अवेलेबल ऑन द अर्थ। हम लोग अच्छी तरह से इस चीज को जानते हैं कि हमारा जो प्राकृतिक स्रोत है, जो प्रकृति के द्वारा दिया गया है, वो प्रचुर मात्रा में हमारे इस धरती पर जो है वह पाया जाता है। लेकिन क्या है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस are not same on the earth. ये जो distribution है natural resources का वो same नहीं है, हमारा जो earth है उस पर same नहीं है, because of landforms and the environment are totally different from each other। देखिए ये इसलिए है क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी का हर भाग जो है सभी जगह सेम नहीं है। कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे पठार है, कहीं चारों तरफ पानी है, कहीं आइसलैंड है। ये सभी सारी जो चीजें जो है वह मौजूद है, बट लेकिन ये सभी सारी चीजें कहीं ना कहीं उसके एनवायरमेंट पर भी डिपेंड करते हैं। और आखिरकार क्या उनका है कि many types of things which is present on the earth, बहुत सारी चीजें हैं जो इस धरती पर अवेलेबल हैं, बट लेकिन हम लोग उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते। और डायरेक्टली यूज नहीं कर पाने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम लोग उस चीज से अछूता रहते हैं। There is unless natural resources that present on the earth। ठीक है, we can use these resources on the basis of our knowledge and skill। ये हमारे किसके आधारित होता है? ये हमारे स्किल पे आधारित होता है। इसका मतलब क्या है? देयर इज अननेस नेचर, मतलब प्रकृति में बहुत सारी ऐसी चीजें जो है वह पाई जाती हैं जिसको हमें जानकारी भी नहीं है। यानी कि प्रारंभ में, यानी कि सबसे शुरू में जब मनुष्यों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि सिर्फ पृथ्वी के ऊपर ही नहीं, पृथ्वी के अंदर भी वो सारी रिसोर्सेस पाई जाती है जिसको मनुष्य अपने टेक्नोलॉजी के जरिए कुछ पैसे इन्वेस्ट करके उन चीजों को जो है वो यूज कर पाता है। तो जैसे जैसे जो हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ते गई, जैसे जैसे हमारी क्षमता बढ़ते गई, जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ते गया, वैसे वैसे उन सभी चीजों की जानकारी हमें होती गई और प्राप्त हुआ कि पृथ्वी के नीचे भी जो है वो कोल पाया जाता है जो कि एक फॉसिल फ्यूल है, जो कि एक जीवाश्म ईंधन है, जो कि जीवों के मरे गए
जो अवशेष होता है उनसे वह प्राप्त होता है। फिर दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे जो एनर्जीज है दैट इज वेरी हेल्पफुल एंड टू डेवलप आवर कंट्री एंड टू डेवलप एवरीवेयर ऑफ आवर वर्ल्ड। बहुत सारे ऐसे जो रिसोर्सेज है जिनको यूज करके जो हम काफी डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। देखिए, टाइडल एनर्जी ये टाइप ऑफ एनर्जी विच कैन जेनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। जो टाइड्स होती है ना समुद्र में, जो टाइड्स होता है उस टाइड्स के जरिए जो है उसकी पवन चक्कियां जो है वो चलती हैं और वो भी हमारे जो है रिसोर्सेज को की तरह यूज करता है। आपने विंड एनर्जी का नाम सुना होगा। विंड एनर्जी ऑल्सो ए टाइप ऑफ एनर्जी दैट कैन गिव अस अ स्पेशल टाइप ऑफ एनर्जी दैट इज टू बी यूज एज ए नेचुरल रिसोर्सेज। और ये कभी जो है कंटिन्यूअस रूप में होती है, कभी खत्म होने वाली नहीं होती। अभी हमारा सोलर एनर्जी को देख लीजिए। सोलर एनर्जी ऑल्सो टाइप ऑफ एनर्जी दैट इज यूज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। देखिए, एक ही बात जानिए कि एनर्जी जो है नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी कैसी चीज होती है, ना ही क्रिएट की जाती है, नहीं भी डिस्ट्रॉय की जाती है। एनर्जी कैन बी यूज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी एक ऐसी चीज होती है जो कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए। ऑल द country has not same landform. They all are interdependent one to another. ठीक है, फिर no any country has all the resources they are depend one to another for their development। तो कहने का मतलब यह था कि ये जो चीजें हैं आप देख सकते हैं कि ऑल द कंट्रीज हैज नॉट द सेम लैंडफॉर्म। कभी होता है कि सभी कंट्रीज के पास जो है वो लैंडफॉर्म जो है वो सेम नहीं है। वो क्या है, दे ऑल आर इंटरडिपेंड ऑन वन अनदर। ये भी एक दूसरे पर क्या है, वो आश्रित है, वे एक दूसरे पर जो है निर्भर करती है। सभी चीजें सभी जगह जो है नहीं पाई जाती। जैसे हमारे यहाँ देखिए, पेट्रोल की सबसे ज्यादा जो है वो डीजल की जो है प्रचुर मात्रा कहाँ पे पाई जाती है, सऊदी अरब में पाई जाती है ना। तो सभी जैसे कि हमारे यहाँ आम है, लीची है, उनके यहाँ सभी चीजें नहीं है। हमारे यहाँ जो जितने नेचुरल चीजें जो है वो आसान से पाई जाती है, वो सभी चीजें नहीं पाई जाती। हमारे यहाँ सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, सारे सीजन को झेलने का जो हमारे पास कैपेसिटी होती है, लेकिन उनके पास कैपेसिटी नहीं है इन सभी चीजों की। इतने सारी जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी को यूज करके वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में जो है वो यूज कर लेते हैं। और देखिए, नो एनी कंट्रीज, और दुनिया में ऐसा कोई कंट्री ही नहीं है जिसके पास सारे जो है वही फैसिलिटी जो है अवेलेबल है, यानी कि सारे टाइप के रिसोर्सेज जो है वो अवेलेबल है। ये कोई कंट्री ही नहीं है ऐसा। तो ये क्या होते हैं कि ये एक दूसरे पर क्या करते हैं, निर्भर होते हैं। और यही एक दूसरे के निर्भर होने के कारण जो है वह उनका डेवलपमेंट जो है वो आसानी से हो पाता है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी है वो आराम से कर पाते हैं, टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट कर पाते हैं, आपके स्किल्स में, एजुकेशन में, हर चीजों को डेवलपमेंट आसानी से कर पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और सिर्फ आज के लिए एक टॉपिक है, और जब भी मिलेंगे हम लोग तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे और अच्छी तरह से मिलेंगे, वो हम लोग पार्ट 3 में मिलेंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।